हमारे साथ पाकिस्तान के एक हमारे सुपरस्टार इजाज़ असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहली दफ़ा मैं जैसा कि रोज़ बोलता हूँ एक इतना बड़ा टूर्नामेंट सेलिब्रिटीज़ का शोबिज़ की टीम का हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पिंडी पुलिस ने इतना ज़बरदस्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रखा हुआ है। बाकी मुझे ये नहीं समझ आता कि न्यूजीलैंड की टीम ने क्यों ये एक एक्सक्यूज़ बनाया और वो चले गए। सो आई थिंक ये एक मैसेज भी है सारे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तानियों की तरफ से कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ प्लेस टू बी यू नो टू लिव हेयर एंड टू यू नो कम हेयर फॉर वेकेशंस एंड यू नो टू प्ले क्रिकेट एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बहुत सेफ जगह है ऐसा खामखा एक कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये प्रोपोगंडा है जिसको हमें निगेट करना है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मैसेज फॉर एवरीवन फॉर द वर्ल्ड। भाई एक्टिंग हमारा प्रोफेशन है और क्रिकेट हम फन के लिए खेलते हैं, तो क्रिकेट 19-20 हो जाता है चल जाता है, लेकिन एक्टिंग तो हमारा काम है तो उसमें नहीं हो सकता। हमारे साथ कराची रॉयल से फहीम अब्बास मौजूद हैं। भाई ये जो जैम CPL है ना, मैं इनका वाकई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमें इतनी इज्जत के साथ क्रिकेट खेलने का मौका दिया है। और मैं आपको एक मजे की बात कहूँ, ये बताइएगा नहीं किसी को, जब से ये एक्टर्स ने क्रिकेट खेलना शुरू किया है इन्होंने टेढ़े खत्म हो गए, जब पेट इनके अंदर चले गए सबके इंक्लूडिंग मी। हाँ क्रिकेट की वजह से जो है ये एक्टर हमारे और फिटनेस की तरफ जाते जा रहे हैं। यस यस यस। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के एक और स्टार तैफूर खान साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। पहले हम जो नॉर्मल लीग्स खेलते हैं एक्टर्स की, उसमें 2 या मैक्स 3 टीमें होती हैं, तो इसमें 6 टीमें हैं। तो ऐसा टैलेंट हमें देखने को मिला है कि हम खुद हैरान हो गए कि यार ये इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। सब लोगों को कहूँगा जो 89.4 FM के लिसनर्स हैं कि आप आएं यहाँ पर और इस एक पॉजिटिव एक्ट का हिस्सा बने और एंजॉय करें। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अरबाज खान साहब मौजूद हैं। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ क्योंकि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और क्योंकि क्रिकेट लवर्स बहुत हैं पाकिस्तान में, और ये रिसेंट जो भी वाकया हुआ ये न्यूजीलैंड के हवाले से, उससे लोग ज़्यादा जो थे ना थोड़े डिस्ट्रेस हुए थे। तो इन अ वे टू जस्ट कॉम्पनसेटेड, तो कोई नहीं, हम उस क्लास के तो नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी वन वे और दी अदर हम उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं तो उनको आना चाहिए। जी इस वक्त हम यहाँ पर डॉल्फिनी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, यहाँ पे CPL हो रहा है। और क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, ये लाइव जा रहा होता है यार। अच्छा फैसल भाई, भाई साहब मौजूद है, मेहमान आए हुए, ये लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, किसको समझ ही नहीं है फैसल भाई के लाइव जा रहा होता है। फैसल कुरैशी साहब इस वक्त भाई साहब मौजूद है, कराची रॉयल्स इस वक्त मैच जीत चुकी है और पिछला मैच भी इन्होंने जीता, दूसरा मैच भी बड़ा जबरदस्त किस्म का जीता। और फैसल भाई जिस तरह यहाँ से बकअप कर रहे थे, मैं पूरी सिचुएशन यहाँ से देख रहा था, लेकिन उसमें एक जुमला मजे का था कि मेरी बैटिंग नहीं आई। नहीं मैं मजाक कर रहा था, वो ऑब्वियसली वी आर नॉट प्लेइंग फॉर यू नो, हम अपने लिए नहीं खेलते, हम टीम के लिए खेलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार, सीरियसली, मतलब हम जब हम आ रहे होते हैं हम यही आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से, कौन सी ऐसी झूठी खबर या सच्ची खबर या जो भी था जिस पे उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था। हमें खुद बड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज क्रिकेट फैंस बहुत खुश थे कि न्यूजीलैंड आ रही है, फिर इंग्लैंड आएगी, सो यू नो एक बड़ा आपस में मज़ेदार मुकाबला होगा वर्ल्ड कप से पहले। बट पहले हम ज़रा बहुत एक्साइटेड होते थे सिर्फ इंडिया के साथ मैचेस पे, बट इस बार मुझे लगता है कि जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ मैच होगा तो कुछ सिचुएशन वही होगी जो इंडिया के साथ खेलते हुए होती है, लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा होने वाली है क्योंकि जो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है इस दफ़ा न्यूजीलैंड के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन मुझे और फैसल भाई को ऐसा ही लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स में बताना है। और सुनते रहिए सुनो FM 89.4, देखते रहिए सुनो रिजल्ट।